फ्रेंड्स, वाइस का चैप्टर चल रहा है। इसके पूर्व जो है आप वाइस पार्ट फाइव पढ़ चुके हैं। पार्ट फाइव में क्या पढ़े हैं आप? अफर्मेटिव, पैसिव वाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, या सेंटेंस है फिर सिंगुलर में लिखो चाहे प्लूरल में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रूल्स एंड एग्जांपल इन ऑल टेंसेस। तो अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो निगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं। कल ही मैंने हिंट कर दिया था, क्या जी, हेल्पिंग वर्ब चाहे वन टू थ्री, एक आए, दो आए, तीन आए, आपको नॉट कहाँ लगाना है? एक्टिव सेंटेंस के अनुसार। यानी एक्टिव सेंटेंस में जहाँ नॉट रहेगा, यानी प्रथम हेल्पिंग वर्ब के बाद रहता है ना, तो पैसे में भी प्रथम के बाद लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों के हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा अंतर आएगा ना भाई। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या है? डू डस प्लस नॉट आएगा, पास्ट में डिड नॉट आएगा, इसमें तो नहीं आएगा, तो कहीं गलती से वही में दोहरा देगा, ठीक ना। तो आपको पैसिव वाला हेल्पिंग वर्ब याद करना है किस चार्ट से? अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो चार्ट मैंने बनाया था, पीछे की वीडियो देखना पड़ेगा, मैं सिक्वेंस पढ़ाता हूँ भैया, बीच में खोलोगे तो कहो कि ये क्या पढ़ा रहा है, क्या बता रहा है, नहीं हवा नहीं लगेगी। इसलिए क्या करो, स्टूडेंट बनो और प्लेलिस्ट खोलो, ठीक ना। सर्च करने में वीडियो जरूर मिलेगी, लेकिन बीच से पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। तो सीधा फॉर एग्जांपल पर हम आते हैं भैया इसके, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सारे नियम दे चुका हूँ, सब नियम बता चुका हूँ, बस करना क्या है, प्रथम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है, नो प्रॉब्लम, प्रथम और द्वितीय की बात ही नहीं, फर्स्ट सेकंड की बात ही नहीं। लेकिन फ्यूचर टेंस में जाओगे, फ्यूचर इंडिफिनिट में जाओगे तो बात आएगी ना, है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में जाओगे तो बात आएगी ना, तीनों परफेक्ट टेंसेस में जाओगे तो बात आएगी ना। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में तो एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना। तो हम शुरू करते हैं वहीं से, सेंटेंस आपको पहचानना है, ठीक है। चलिए सिंपल सेंटेंस समझेंगे यहाँ पर, बहुत टफ नहीं। आगे जो हम एक्सरसाइज कराएंगे तो वहां पर हम आपको टफ सेंटेंस भी देंगे, यहाँ सामान्य, ठीक ना, ताकि आप समझ सको। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हम अगर लिखते हैं कि ही राइट्स अ लेटर, ध्यान दीजिएगा, दोनों को हम बता देते हैं, टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। तो ही राइट्स अ लेटर, बोलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, हाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो अब बताइए इसका जब पैसिव आप पढ़ाते हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार है, तो उसके नियमानुसार बनाते हो। यहाँ क्या है, फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, सिंगल है, सब कुछ बता चुका हूँ, तो सारी बातें रिपीट नहीं करना है, आगे हमें बढ़ना है, कैसे निगेटिव बनाओगे, कैसे समझोगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस उसके बाद रिटेन कर रहे हैं, उसके बाद बाय हिम कर रहे हैं, बोलो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप अफर्मेटिव का बना सकते हो तो निगेटिव का क्यों नहीं बना सकते हो, ठीक ना। मान लीजिए कि इसी सेंटेंस का हम निगेटिव लिखते हैं, हालांकि होता नहीं है, जरूर होगा नहीं कि आप सेम टाइम में सेम पर्सन के लिए लिख दोगे कि ही राइट अ लेटर, आप तुरंत कह दो कि ही डज नॉट राइट अ लेटर, बिल्कुल गलत है। एक बार कह दो कि जो है कोयला काला होता है, दूसरी बार तुरंत कह दो कोयला काला नहीं होता है, चाहे उल्टा बोलो कि सफ़ेद नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है ना। तो सफ़ेद नहीं होता तो सही है, काला नहीं होता ये तो गलत जाएगा ना, ठीक ना। तो अब चलो यह प्रोनाउन है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ जो सेंटेंस हम ले रहे हैं यहाँ का ही दूसरा है, क्योंकि ये पत्र लिखता है और दूसरे सेंटेंस में ही क्या है, दूसरा पर्सन होगा। सेम सेंटेंस का लोग बना देते हैं, सिखा देते हैं निगेटिव,
वास्तविकता है कि सेम सेंटेंस का नेगेटिव इस तरह से नहीं बनता है। अगर इसी को मान लीजिए अगर हम मोहन लिख देते, अब ध्यान में आया तो चर्चा कर देता हूँ, यहाँ पर मोहन राइट्स अ लेटर तो तुरंत लिख दोगे नीचे कि मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, उसका नेगेटिव होगा। नहीं, मोहन की जगह सोहन लिखना पड़ेगा, तो मोहन की जगह भी ही होगा और सोहन की जगह भी ही होगा, यानी हम दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, ठीक ना। चाहे तो हम नाउन का ही प्रयोग कर देते, हम इस बार नाउन का प्रयोग कर देते भाई ही का चक्कर, क्योंकि नाउन का एग्जाम एग्जाम्पल हमने नहीं दिया था। तो हम क्या करते हैं, इसी पैटर्न पर अगर हम मान लीजिए ही की जगह हम मोहन यूज करते हैं और निगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो चलिए मोहन लिख दिया, हाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या जी अफर्मेटिव, नेगेटिव बनाओ ना, तो मोहन के साथ क्या लगाओगे बोलो, डज नॉट लगाओगे नहीं लगाओगे, हाँ। उसके बाद अब ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि जगह मोहन कर रहा है, तो नहीं कंफ्यूजन हो तो हम यही कर देते हैं, क्योंकि तुम लोग क्या है जी गड़बड़ा जाओगे। लेकिन एक बात हो ना, ये जब चेंज होता है तो वो वहीं नहीं रहता है, ये काम करके सुन लेना। चलो हम सेम सेंटेंस का ही बना देते हैं, ठीक ना, समझने के लिए। लेकिन ये सेंटेंस में जो पर्सन होता है डिफरेंट हो जाता है। चलिए ये सब चीजों को हम कहाँ पढ़ाएंगे, टेंस में इंतजार करना पड़ेगा। तो ही डज नॉट, ठीक ना। अब आपको करना क्या है, ये सिंगुलर था, प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, तो यहाँ पर टेंस बन रहा है मेन वर्ब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। तो ही सिंगुलर तो मेन वर्ब भी सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा, ये ही क्या है सिंगुलर, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, ये ट्रांसिटिव है ना, हाँ ये भी है सिंगुलर। तो इसके अनुसार सेंटेंस की रचना होती है। अब जब निगेटिव हम बनाते हैं तो डू और डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डू क्या है प्लुरल और डज क्या है सिंगुलर, तो बताइए ही क्या है सिंगुलर, तो हम डू लगाएंगे डज, अरे भाई ये सिंगुलर है ना, कोई भी क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हो, ऐसे यस जोड़ देते हो उसमें, एक्शन वर्ब की बात कर रहा हूँ, क्रिया भी नहीं ही जैन वार नहीं, वो अलग है, ठीक ना, और हैज हैव नहीं, हैज में ही अस्मत जोड़ देना, हैव में ही अस्मत जोड़ देना, ऐसी गलती मत करना। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में दो ऐसी क्रिया है, कौन सी, लिंकिंग वर्ब, एक टू बी और टू है, जिसमें इस पैटर्न पर नहीं बनता है गया सही है जोड़ करके तुम सिंगुलर कर दोगे, ठीक ना, ये वर्ब के चैप्टर में पढ़ लेना, जाके खोलो प्ले लिस्ट, ठीक है, मस्त हो जाओगे एकदम। तो क्या करोगे भैया, ठीक ना, यहाँ पर हम डज डू क्या होता है प्लुरल, तो इसमें हम ईएन जोड़ेंगे तो ये हो गया सिंगुलर। अब देखो यहाँ ही था सिंगुलर तो ये था मेन वर्ब सिंगुलर, अब ही सिंगुलर है और हेल्पिंग वर्ब हमने क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा दिया है, क्योंकि टेंस का हम वीडियो नहीं बनाया, फिर इसलिए थोड़ा हिंट कर देते हैं, ठीक है ना, या पढ़े हो गए तो भूल गया होगा तो थोड़ा हिंट करना जरूरी है। तो ये हो गया यह भी सिंगुलर और यह भी सिंगुलर, तो अब मेन वर्ब कामन हो जाएगी सबके लिए, जैसे यहाँ दे लगाएंगे तो यहाँ डू हो जाएगा, तो मेन वर्ब राइट हो जाएगा, चाहे ही हो चाहे दे हो। तो यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं और नॉट उसके बाद हम क्या कर देंगे, मेन वर्ब हमारा क्या हो जाएगा प्लुरल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सेंटेंस का निर्माण हो रहा है भैया, ऑलरेडी देखिए सेंटेंस का जो निर्माण है इसके अनुसार हुआ, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हुआ, यहाँ पर सेंटेंस का निर्माण किसके अनुसार हो रहा है, मेन वर्ब के अनुसार हो रहा है, ठीक ना, यहाँ पर दे रहता तो राइट हो जाता, तो यहाँ पर डू होता फिर राइट होता, यहाँ डज हुआ। अब एक चीज और ध्यान दो, हाँ टेंस का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, टेंस में ये वीडियो बनाएंगे, लोग पढ़ा देते हैं निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो बेटा ये जो है हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, ये वर्ब के बाहर है, जानते हो ये है आपका मेन वर्ब है और ये ट्रांसिटिव है, बोलो और फर्स्ट फॉर्म है, बोलो कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है भैया,
फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लुरल होता है, तो ये जो है दोनों मिल करके वर्ब बनाते हैं। देखिए तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मिल करके फुल वर्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? फुल वर्ब। तो थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ इसलिए कि ताकि समझोगे कि आने वाला दिन क्या जी उज्ज्वल है, आरती सर का चैनल पकड़ लो टेंस के मामले में। ये नॉट जो है इसका हिस्सा नहीं है, किसका जी वर्ब का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे ना बनाओ, ऐसे बनाओगे तो नॉट भी आ जाएगा ना। हम क्या करते हैं ऐसे बनाते हैं, ये देखो एरो किसके लिए लगा? हेल्पिंग वर्ब। और किसके लिए लगा? मेन वर्ब। दोनों मिलकर क्या बनाया? फुल वर्ब। और नॉट भैया जानते हो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। थोड़ा सा हिंट कर देता हूं तो किसी भी, क्योंकि अभी शुरुआत है ठीक ना, अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आएगा, तो ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है यानी अस्वीकृत सूचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण होता है भैया, ना कि यह क्रिया होता है। जनरली लोग पढ़ा देते हैं कि हम जो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डू डज नॉट का प्रयोग करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट और हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। अरे यार ये थोड़ा मूर्खता छोड़ो, टीचर बन गए हो, वीडियो मेकर है, आए हो बेवकूफ बनाने छात्रों को। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन नए स्टूडेंट हैं, सीखने वाले हैं, कुछ स्पोकन वाले हैं, उनको तो बना सकते हो। तो भैया हम लोग कंपटीटर पैदा कर, हम लोग बोल जाते हैं यार मैं कंपटीटर बनाता हूँ, पैदा करता हूँ। तो इस तरह से पढ़ोगे तब जाएगा ठीक। बोलो प्रेजेंट इंडिफिनिट ये भी है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या था? ये कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? अरे तुमने इसमें डस लगाया हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब ऑफ निगेशन लगाया ना, ये बन गया निगेटिव। टेंस तो सेम सेम है, टेंस में कोई अंतर आया? टेंस में कोई अंतर नहीं आया। तो अब क्या करोगे इसका पैसिव बनाने के लिए? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है, उस नियम को लागू करो, कुछ नहीं होना है। हाँ देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या लिखा यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब का इसका उपयोग किया, तो सेम वही चीज हम शुरू करते हैं। और लेटर उसके बाद इज लिखेंगे, प्लीज संकोच। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है उसे लागू करो। अब देखो यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यहां पर तो नॉट लगेगा नहीं, सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। ये एक्टिव सेंटेंस है, तो एक्टिव सेंटेंस में तुमने डस के बाद नॉट लगाया, लेकिन यह है पैसिव सेंटेंस, तो पैसिव सेंटेंस में डॉट तो लगता ही नहीं है। पैसिव सेंटेंस में तो इज एवर का प्रयोग होता है। कल वाले वीडियो देखना और चार्ट रट जाना। तो कहाँ लगा? ना नहीं लगा तो नो प्रॉब्लम। जैसे यहाँ तुमने एक ही, हमने कहा कि प्रथम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो यहाँ पर तो एक ही हेल्पिंग वर्ब ही होता है ठीक है। क्या डज या डू? तो डज या डू के बाद तुमने यहाँ नॉट लगाया, तो यहाँ भी तुम इसके बाद नॉट लगा दो, क्या दिक्कत है? क्या कंफ्यूजन है? देयर इज नो कंफ्यूजन ठीक ना। तो क्या किया? हाँ लेटर इज नॉट रिटर्न कर दिया। बोलो कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं करना है तुम्हें। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, केवल हेल्पिंग वर्ब रट लेना है। अब उसमें भी हम दो तरीके से बताए, क्या जी? एक्टिव हेल्पिंग वर्ब और पैसिव, ध्यान देना। तो हाँ आपको एक्टिव पैसिव में नहीं जाना है, सारे हेल्पिंग वर्ब को याद करना है और प्रथम के बाद ना लगा देना है। तो हम एग्जाम्पल धड़ाधड़ आगे बढ़ाए, तो हमारे ख्याल से ये मौलिक जानकारी थी एक टेंस का। अब फटाफट लीजिए ठीक ना जी।
चलिए तो अफर्मेटिव देकर के हमने नेगेटिव बनाया और फिर सिखाया एक सेंटेंस से। अब बार बार तो अफर्मेटिव देंगे नहीं, ठीक है ना, बार बार तो देंगे नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्या करोगे, अरे नेगेटिव अफर्मेटिव बना देना यार, नेगेटिव पर क्या कर देना, अफर्मेटिव अफर्मेटिव का वैसे ही बना देना, फिर सोच लेना कि नाट कहाँ लगेगा, काम पर कुछ नहीं, ठीक ना। क्या करते हैं भैया, हम कहते हैं कि पैसिव, इट इज नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की, इट इज नॉट कहां चले आए, पास्ट बोले, टेंस भी बताना पड़ेगा, अरे पास्ट इंडिफिनिट निगेटिव सेंटेंस हुआ उसको लिखेंगे समय बर्बाद होगा, इतने तो आप जानते हो। तो पास्ट इंडिफिनिट निगेटिव सेंटेंस हुआ, यहां पर आप इट का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन जब पैसिव बनाओगे तो मी का क्या करोगे, आई कर दोगे, सब डन है, पढ़ा चुका हूं, पीछे की वीडियो देखो जो पहले दिन खोल रहे हैं भैया, कान खोल के सुन लो। तो हमारा सिस्टम है एक सीक्वेंस है पढ़ाने का, तो हमने मी को क्या किया, आई बनाया। अब बताओ पास्ट इंडिफिनिट में हमने हेल्पिंग वर्ब का दिया था, वाज हमने खबर दिया था, तो आई के साथ क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। अब यहां पर क्या है देखो, आई तो हमेशा सिंगुलर ही होता है, लेकिन यह है बदमाश, फर्स्ट पर्सन है, उत्तम पुरुष है, मनमानी करता है, मन में आता है सिंगुलर, मन में आता है तो प्लूरल वर्ब ले लेता है, यहां पर क्या किया भैया सिंगुलर, लेकिन ये रहेगा हमेशा सिंगुलर ही, चाहे इसके साथ हेल्प लगाओ, चाहे हेल्प लगाओ, चाहे वाज लगाओ, ये हमेशा रहेगा सिंगुलर ही, मनमानी करता है। इसीलिए सिंगल सब्जेक्ट कर कह करके पढ़ाना, सिंगुलर सब्जेक्ट लिख करके पढ़ाना, प्लूरल सब्जेक्ट करके पढ़ाना थोड़ा सा अटपटा लगता है जी, कंफ्यूजन पैदा करता है, सीधे सीधे सबका नाम लिख डालो। तो क्या करते हैं भैया, आई बात बोलो जरा, अरे भैया यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात तुमने नाट लगाया है ना, अरे यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब ये है ना, तो क्या करो वही नाट को खींच दो ना, यहाँ क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई कंफ्यूजन है, उसके बाद थर्ड फॉर्म तो लगने लगा, लगता है ना भैया, अब भाई एजेंट तो लगने लगा, कोई तकलीफ नहीं है, तो अच्छी बात है, लो टेंस खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते, अब हम फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करते हैं, तो फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि आई, ठीक ना जी, शैल नॉट, बोलिए आई शैल नॉट हेल्प यू, कर दिया ना, मैं तुम्हारी मदद डर लगाया ना जी, नहीं करूंगा। तो अब हम फिर वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये सब कुछ नहीं बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डन है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पैसिव में हम क्या करेंगे, ये देखो यू सेम फॉर्म में, सेम फॉर्म में ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, और सेम फॉर्म मतलब सेम स्पेलिंग, ठीक ना जी, सेम स्पेलिंग, बोलचाल में क्या होता है, नॉमिनेटिव भी होता है। तो यू को हमने यहाँ ले आया और वाई को कैपिटल कर दिया। अब यह सेंटेंस है ऑर्डिनरी, इम्पैटिक नहीं है, यानी इम्पैटिक रहता तो आई के साथ विल लगता, तो यू के साथ सेल लग जाता, उल्टा हो जाता। तो अगर यहाँ उल्टा है तो यहाँ भी उल्टा लगाओ, लेकिन यहाँ सीधा है तो यहाँ भी सीधा लगाओ। तो आई के साथ यहाँ सेल लगा है, लगता है किसमें, ऑर्डिनरी सेंटेंस में, तो यू के साथ भी सीधा ही लगाओ। तो क्या किया भैया, विल कर दिया। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, पैसिव फॉर्म में हमने क्या बताया था, विल ऑब्लिक सेल प्लस बी का प्रयोग बताया था, यही पर आपको ध्यान देना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो नॉट आपको इसके बाद नहीं लगाना है, जब दो आए तीन आए यही लगेगा, यहाँ कहाँ लगा है, प्रथम के बाद ही, एक है तो प्रथम रहेगा ही, लेकिन दो है तो भैया प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट एंड सेकेंड, नॉट तो ही लगेगा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या किया भैया, हेल्प यू, विल नॉट हेल्प टू, क्या किया, आई का मी किया, टेस्ट पर जानते हैं,
चलिए ये भी कर लो। अब हम कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं, ठीक है जी। तो कंटीन्यूअस टेंस में हम आते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे कल मैं लिखा था क्रिकेट पर लिखा था उसी पैटर्न पर हाथ में लिखता हूं, क्या जी, प्लेयर्स आर प्लेइंग, ठीक ना। चाहे क्रिकेट लिखो चाहे फुटबॉल लिखो, वो कोई भी गेम क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो अगर हम क्रिकेट लिखते हैं कोई बात नहीं, चाहे फुटबॉल लिखो चाहे हॉकी लिखो, कल प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, हो गया। अब ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ ऑब्जेक्ट, अब इसमें हम पैसिव पढ़ाते हैं। तो ये तो एक्टिव सेंटेंस का एक्टिव वर्ब है, एडिशनल क्या आएगा पैसिव सेंटेंस में, बीइंग जुड़ जाएगा। अब बीइंग चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, वही तो एक्टिव फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको बना देते हैं सब्जेक्ट, बोलो बना दिया सब्जेक्ट, बना दिया भैया, इसको बनाया सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट जब बना आपने कब, ओ सॉरी अफर्मेटिव बनाने जा रहे थे, कोई बात नहीं, हमारा हाथ उठा अफर्मेटिव समझा करके समझाया, लेकिन जरूरत नहीं है, आर नॉट कर देते हैं ना जी, सीधे निगेटिव में ले चलते हैं, सीधे निगेटिव में हम ले चलते हैं, क्योंकि मैं कल के सेंटेंस की चर्चा कर दिया था ना, इसीलिए लिखा था। तो प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। अब देखो इसमें एडिशनल शब्द अगर हम जोड़ दे तो थोड़ा सा रोचकता पैदा हो जाएगी, तो याद आ गई नहीं, अब नहीं खेल पाएंगे इस समय, या दिस टाइम भी सकते हो भाई, नहीं खेल रहे हम, खेलते हैं, प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ठीक है, अब नहीं खेल रहे हैं। तो क्या किया इसमें, अदर वर्ड्स भी ला दिया, कोई बात नहीं। तो क्रिकेट ये है सिंगुलर, इसके बाद हमने यहाँ क्या कर दिया, इस कर दिया, एक्टिव सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब जोड़ दिया। अब पैसिव वाले में क्या होता है, बीइंग आता है, तो नाट तो यहीं लगाएंगे ना, बोलो। तो यहाँ पर नाट हमने लगाया, उसके बाद यहाँ पर क्या किया था, फॉर्म किया, प्लेट कर दिया, और उसके बाद अब नाउ हमने दो स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है ना। तो अब क्रिकेट इज नॉट प्लेइंग, सॉरी क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, अब बताओ बाय प्लेयर्स नाउ लिखे कि प्लेड नाउ बाय प्लेयर्स लिखे, कोई ढंग संबंध नहीं है नाउ, ठीक है ना, यहाँ से वो बाहर नहीं रहेगा। तो कहाँ करेंगे, बाय प्लेयर्स कर दिया, बाय प्लेयर्स कर दिया और नाउ कर दिया, ओके। अब पास्ट में जाना चाहते हो तो सेम सेंटेंस में क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंस का सब रूल समझना है। से क्या हुआ, कर दी कर बोलो, दो बार प्लेयर्स हो गए, कहाँ दो बार हुआ यार, प्लेयर है, देखो इनको दिख नहीं रहा, ये प्लेयर दिखाई दे रहा है, हाँ आपकी रोशनी बढ़ाओ, ये प्लेयर है भैया, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय प्लेयर, हाँ समझे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्लेयर्स हुआ कर देते हैं, क्या कर देते हैं बोलो, कोई दिक्कत भाई, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या किया, क्या चेंजिंग कर दें सेम सेंटेंस में, यहाँ हम वर्क कर दिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस बन गया, हाँ अब बताओ। तो यहाँ कुछ करना पड़ेगा ना, नाउ का हमको देन करना पड़ेगा, ये भी सीखना पड़ेगा आपको, पास्ट कंटिन्यूअस में ले गए तो अब नहीं खेल रहे थे, नहीं तब नहीं खेल रहे थे, तो ये सब सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, कहाँ मिलेगा, अरे हम जब टेंस पढ़ाएंगे तब मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या किया हमने, नाउ का देन कर दिया, तब नहीं खेल रहे थे, अर्थात जब मैं का जी खेल के मैदान में गया था उस समय खेल रुका हुआ था ना जी, अब नहीं खेल रहे थे तब नहीं खेल रहे। अब यहाँ पर हमने कहा क्या, यहाँ ओवर लगाया है, फील्डर है तो ओवर लगाया, यहाँ पर सिंगर है तो बोले आवाज लगा दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, देन कर दिया, नो प्रॉब्लम। चलिए बचते हैं तीन टेंसेस, कोई दिक्कत नहीं,
एक्सरसाइज हम कराएंगे, ढेर सारे सेंटेंस देंगे आपको। यहाँ पर क्या है, वर्ड्स एग्जांपल के साथ आठ टेंसेस का। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। नजी चलिए, सी हम कहते हैं कि सी हैज, सी हैज डन, सी हैज डन हर वर्क। इसलिए हर लिंक सी कर दिया भैया कि हमारे जो सब्सक्राइबर होंगे फीमेल भी तो होंगे। कहें गुरुजी सब हम सारा सेंटेंस ही पर लिखते हैं, सी पे कोई नहीं करते। नाराज ना ना भैया, सी को हम पीछे नहीं होने देंगे। तो चलेंगे ही और सी दोनों मेरे साथ, एक दाहिने एक बाएं। अरे ही दाहिने तो सी बाएं, ठीक है ना, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो ही के बाद सी का नंबर आएगा, यानी सी प्रोनाउंसिएशन होगा सी ना कि सी। आप इसका प्रोनाउंसिएशन सी नहीं लोगे, आप इसका प्रोनाउंसिएशन ये लोगे, ये नहीं लोगे। ये सी नहीं होता है, शी होगा, होता है। यस यस, प्रोनाउंसिएशन पर भी वीडियो मिलेगी, लेकिन इंतजार करो भाई, कई दिन में थोड़े सब संभव है। तो चलते हैं, ये इसलिए बताता रहता हूँ कि आगे समझो कि क्या करना है। सब्सक्राइब करे कि ना करे, ये तो मैं कभी नहीं करूँगा। तो कहानी यहाँ पर वर्क लिखते हैं, सी हैज डन हर वर्क लिख दिया। अब क्या करेंगे, वैसे पढ़ाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट है। तो बताइए यहाँ पर हर वर्क लिख दे, लिख दिया। और ये हैज तो उतरेगा ना, एक्टिव से आएगा ना, आया हुआ है पैसिव में, आता है कि नहीं आता। अब फर्क यही पड़ेगा कि हैज आए कि हैव लगे, तो हैज ही लगेगा, क्योंकि ये क्या है भैया, सिंगुलर। बोलिए सिंगुलर है, ये क्या होता है ऑब्जेक्ट, सिंगुलर, हर वर्क सिंगुलर। तो हैज ही आएगा, नहीं यहीं से आएगा, एक्टिव से ये आती है हेल्पिंग वर्क। अब पैसिव में क्या करना है, आपको एक चीज जोड़ देना है, ये यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्क हम अफर्मेटिव एग्जांपल देके तब समझाएंगे नेगेटिव इसमें, कहीं कहीं ऐसा भी होगा, आप परेशान ना होना। तो बोलो ये हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब टू, तो परेशान ना होना। अब आगे डन बाय हर, वह ये क्या हुआ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो किसी किसी वाक्य में एक में लेना पड़ेगा ना, तो एक में ले लेंगे सब में हो जाएगा ही। उसने कहा कि अपना काम कर लिया है, हर वर्क हैज बीन डन बाय हर, हो गया। इसका अगर निगेटिव हम सेम सेंटेंस का बनाते हैं तो आप हैज के बाद यहाँ नॉट लगाओगे ना, बोलो लगा दिया। कहाँ नॉट लगाओ भैया, बोलो। अरे हैज के बाद नॉट लगाओगे ना, शी हैज नॉट डन हर वर्क। क्या दिक्कत है यार, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, हमको भी परेशान कर दो हैं। चलो आगे चलो, अब क्या करेंगे, इसमें तो हमने लगाया नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल था, सेम सेंटेंस का हमने निगेटिव बनाया, तो कहाँ लगाया है, देख रहे हो यहाँ एक ही हेल्प और है ना, यहाँ पर नॉट लगाया है ना। लेकिन पैसे जब बना रहे हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब है ना, बोलो जी सर। तो नॉट हम यहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, लगा दो। तो क्या करेंगे, अरे यहाँ पर हमने क्या किया जी, हर वर्क हैज नॉट बीन डन बाय हर, ठीक। यहाँ की जो क्रिया हमेशा क्या होती है, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार आती है, और यहाँ पर क्रिया क्या होती है, इसके अनुसार होती है, पुराने सब्जेक्ट के अनुसार। अरे प्रधानता इसमें क्रिया द्वारा यहाँ पर सब्जेक्ट को दी जा रही है, और यहाँ पर इसको दी ऑब्जेक्ट को दी जा रही है, हाँ मतलब दे रहे कि नहीं, उसी को तो ये तो सब चीज बता चुका हूँ। अब चलो हम कहते हैं कि इसी का निगेटिव बना दो ना, काहे को टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसी का निगेटिव का टेंस चेंज कर दो, निगेटिव तो बना ही हुआ, टेंस चेंज कर दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैड लगा देते हैं, बोलो हैड लगा दिया, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ तो हैड लगता है, तो यहाँ भी क्या किया, हर लगा दिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बचा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक ना भैया। मेहनत से पढ़ना, देखो पसीना मारना, एसी नहीं लगा, गरीब हूँ ना, ठीक ना, और ना डिजिटल है, हाँ नहीं उम्मीद है कोरोना काल में, वैसे भी
डिजिटल रहे। अब ना उस तरह का फैशनेबल तो हूँ मैं, पैसा होना चाहिए ना, आपको फ्री में दे रहा हूँ हैं, पैसा होना चाहिए ना। तो एक तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, दूसरे डिजिटल करे, ये करे वो करे, कहाँ से आएगा। तो थोड़ा तुम भी पसीना बहा रहे हो ना जी, हाँ। लेकिन तुमको क्या बना है यार, तुम तो अपने घर में एसी में होगे, पंखा में हो, बैठे होगे, कूलर के सामने बैठे होगे, लेकिन यहाँ अगर पंखा चलेगा ना तो साउंड नहीं क्लियर। तो चलते हैं भाई, अब यहाँ दूसरा सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है क्या, वी विद, देखना बैटरी लिखने जा रहा हूँ, शहर नहीं लगा रहा हूँ, विल लिखने जा रहा हूँ, मानी इम्पैटिक सेंटेंस। तो वी विल बोलिए हैव फिनिश्ड, ठीक, ये आपका क्या बना, आवर वर्क टाइम, हम अपना काम समय से समाप्त कर चुके होंगे कि रहेंगे, अनुवाद करो, हम अपना काम, अफर्मेटिव दे रहा हूं, हम अपना काम समय से समाप्त कर चुके होंगे कि रहेंगे, होंगे ट्रांसलेशन करते हैं तो गलत है वो, क्योंकि आई और वी के साथ अपनी फर्स्ट पर्सन के साथ आप पास्ट टाइम में गेस या पॉसिबिलिटी शो नहीं कर सकते, हमेशा क्या सर्टेनिटी इन फ्यूचर टाइम की बात करोगे आई और वी के साथ, क्योंकि घटना घट चुकी है, समय बीत चुका है पास्ट टाइम वाला तुम्हारे साथ, तो क्या करोगे, समाप्त कर चुके रहेंगे, अवश्य समाप्त कर चुके रहेंगे, अफर्मेटिव बना। तो अब इसका जब तुम पैसिव बनाते हो तो बोलो ये आएगा ऑब्जेक्ट, तो आवर वर्क हो गया, यहां बी के साथ तुमने विल लगाया, यहां क्या लगा दोगे, शैल लगा दोगे, लग गया, उसके बाद हाय बी हो गया, बोलो हो गया, उसके बाद यहां फिनिश्ड है, ठीक ना, फिनिश्ड टाइमली का क्लोज रिलेशन है, फिनिश से तो दूर नहीं जाएगा, यहां पर क्या कर दोगे, फिनिश कर दोगे और बाई अस कर दो, आ रहा है जी, हाँ क्या हुआ, नहीं आ रहा है, अच्छा टाइम छुटा है, एक मिनट जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं, ठीक है भैया, नीचे लिख देता हूँ, फिनिश टाइम हो जाता है ना, टाइम नहीं दो बार हो गया क्या है, बोल दे रहे इसमें संकोच की क्या बात है, अरे भैया आप सही बार बैठे हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, दो बार हो गया, गर्मी लग रही है ना, ठीक है, ये और रिपीट हो गया, हाँ फिनिश टाइम में, वही मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जगह कैसे कम हो गई, बाइस मुझे लग रहा था जगह कैसे कम पड़ रही है, ठीक है, तो फिनिश्ड टाइमली भाई है, अब चलो ये अफर्मेटिव है, अगर इसका हम निगेटिव बनाए तो ये इम्पैरेटिव सेंटेंस है, डिटर्मिनेशन है, हम लोग कह दी हमारा काम यानी अपना काम समय से समाप्त कर चुके रहेंगे, अब दोबारा कहेंगे हम लोग हमारा काम यानी अपना काम समय से नहीं समाप्त अवश्य नहीं समाप्त कर चुके होंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी इसका निगेटिव नहीं बना सकते हो, इसका नेगेटिव नहीं बनाओगे तो क्या करोगे यार, सब पे चेंज करो, यानी ये टेंस का मामला है, ठीक है, तो टेंस का मामला है, टेंस के चैप्टर में इंतजार करो, पूछना मत कि टेंस कब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो इसका नेगेटिव तुम नहीं बना सकते हो, यानी हर सेंटेंस का तुम नेगेटिव तो बना ही नहीं सकते हो, और सेम सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट को रख करके तो नेगेटिव कत्ता ही नहीं बनाना किसी भी सेंटेंस में, बिल्कुल रॉन्ग है वो मैनर जो है रॉन्ग है, सेम एक बार कहो कि मैं दाल रोटी सब्जी खाता हूँ तुरंत कहो कि मैं दाल रोटी सब्जी नहीं खाता, बिल्कुल मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तुरंत कहो कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, ये क्या कदा पड़ती है बेवकूफी यार, ऐसा भी लोग बना देते हैं, मैंने पढ़ाया जरूर लेकिन बताया क्या जी, यहाँ का ही दूसरा है, यहाँ का है दूसरा है, अफर्मेटिव का ही मुहर है, तो
सोहर है कभी मत से मानना। तो चलो इसके साथ निगेटिव नहीं बन सकता है, हम लोग अपना काम समय से समाप्त कर चुके रहेंगे तो निगेटिव बना पाते नहीं। अरे यू कर दो यार, यहाँ पर क्या कर दो बोलो, यू कर दिया सही हो गया कि नहीं, यू कर दिया। अब बताओ अगर इंफेटिक रखना है सेंटेंस को तो हाँ बी के साथ बी लगाए हैं, इंफेटिक ही हम रखेंगे तो यू के साथ क्या कर देंगे सर लगा देंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? तो सर लगा देंगे। अरे भाई टेंस चल रहा है, उसके बाद बोलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉट कहाँ लगाएंगे, एक्टिव में नॉट कहाँ लगेगा, प्रथम हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यू शैल नॉट का क्या, यू शैल नॉट हैव, बोलिए फिनिश्ड योर वर्क हो गया, हो गया ना। उसके बाद क्या कर दिया टैली, ये रोचक जानकारियां तो थोड़ी थोड़ी आपके बीच बीच में आती रहेंगी, ठीक है। इन खत्म हो गई, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं पेन, ठीक है, चलिए मार कर। हाँ तो यू शैल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क टाइमली। अब बोलिए सेंटेंस इंफेटिव है कि ऑर्डरली, तो भैया इंफेटिव है, दृढ़ता सूचक वाक्य है, इसका पाइसी बढ़ा दिया तो योर वर्क यहाँ ला दिया, क्या किया बोले योर वर्क यहाँ ला दिया। अब यू के साथ तुम सह लगा रहे हो, ये आयरस है सब्जेक्ट के अंतर्गत, ठीक ना जी। यहाँ पर बैठिंग में भी आई जी के साथ मिल लगा, बाकी के साथ सर, ये बाकी में आ रहा है योर वर्क, बोलिए शेष में आ रहा है कि नहीं, यहाँ भी सह नहीं कर रहा, बोल ना क्या नॉट चौका क्यों आएगा है? और है भी चौका क्यों आएगा, क्योंकि जितना एक्टिव सेंटेंस में है वो तो आएगा, नहीं समझेगा तो आ गया। उसके बाद क्या किया, बिन लगा दिया, एडिशनल बिन लगा दिया, उसके बाद फिनिश कर दिया, ठीक है जी, फिनिश कर दिया का, उसके बाद फैमिली का क्लोज रिलेशन है भैया, और यहाँ पर बाई यू कर दिया, हो गया ना। इसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट करना, अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहता हूँ ना कहूँगा, बता दे रहा हूँ, उल्टा चलता हूँ, सब कहते हैं नए आए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये कर देना, वो कर देना, नहीं मुझे पता है कि मेरे कहने से तुम नहीं करोगे, तुम मेरे कहने से नहीं करोगे तो क्या मतलब है कहने का, वही वीडियो मेकर थोड़े हूँ। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।